भगवान कंस के महल के सामने पहुंचे, वहां देखा एक टेढ़ी मेढ़ी सी औरत खड़ी है दरवाजे पर, हाथ में चांदी का कटोरा है, चंदन पीस के लाई थी कंस के, रोज लेप करती थी चंदन का, कुब्जा कुबड़ी हो गई थी पाप करने के कारण। कौन है ये कुब्जा? तो इसके बारे में भी महात्मा ज्ञानी कहते हैं कि त्रेता युग में राम जी को वनवास के लिए कैकेयी की मति भंग करने वाली मंथरा ही कुब्जा बन के आई, उसको भी कंस जैसे दुष्ट को चंदन लगाना पड़ा। अगर राम जी के चंदन का तिलक करवा के बना देती राजा, तो फिर आज ये हाल ना होता। कंस के घर में आई, राम जी के साथ जिस जिसने भी गड़बड़ किया वो सब कंस के दूत बने हैं, सेवक बने हैं महाराज। आए बहुत बुरी बात है, दुष्ट की सेवा में नौकरी मिल जाए तो ये अच्छा मत समझना आप, ये अच्छा नहीं, आपका पिछला जन्म खराब है। बृहदमासो यथा पुरुषम, सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे राजन, भगवान ने कुब्जा को देखा तो कुब्जा ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को देख के पहचान लिया, इतनी सुंदरता, ब्रह्म मुहूर्त है। कुब्जा के मन को क्या हुआ, अचानक उसने संकल्प ले लिया, कंस चाहे मुझे फांसी पे चढ़ा दे पर आज का चंदन तुम इस बालक के माथे पे लगाऊंगी, इतना सुंदर बालक मिला है, माथे पे चंदन पोत दिया। जैसे ही भगवान को चंदन का टीका लगाया, भगवान ने उसकी ठोड़ी को यूं टच किया, एकदम सुंदरी हो गई। इसलिए रोज भगवान गोविंद को घर में चंदन लगाना ही, हाँ जिस उंगली से ठाकुर जी को चंदन लगे वही बचा हुआ झूठा चंदन यहां लगाओ माथे पे, झूठा चंदन ठाकुर जी को टच कर दिया, चाहे वो पीतल का ही ठाकुर जी है पर भाव तो ओरिजिनल है ना तुम्हारा, ठाकुर जी पीतल का होगा पर तुम सच्चे हो, तुम्हारी भक्ति चेतन है, तुम वही देख के तो लगा रहे हो, नहीं तो पीतल में कौन चंदन टीका लगाता है, पीतल को कौन लड्डू खिलाता है, पीतल की थाली भी तो होती है घर में, उसको कहाँ लड्डू खिला रहे अपन, उसको कहाँ आरती कर रहे अपन। बात आकार की है, मान्यता की है, चाहे वो निकटित है चाहे वो अंधविश्वास है, पर तुम्हारा विश्वास सच्चा है, तुमने तो सच भगवान ही माना है ना, इसलिए वो कण कण वाला उसमें भी होगा, ऐसा मान के वो कार्यक्रम रोज करो। पर श्री ठाकुर जी को चंदन लगाने का मतलब है अंडा मांस छोड़ना, गुटखा तमाकू शराब छोड़ना। श्री मद भागवत कथा सुनने से होता है तन और मन का शुद्धिकरण, जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आओ करें श्री हरि का स्मरण। परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के श्रीमुख से, श्री राधा किशोरी सेवाधाम संत कॉलोनी परिक्रमा मार्ग श्री धाम वृंदावन से, गुरु जी के जन्मोत्सव निमित्त 108 श्री मद भागवत कथा का 27 जनवरी से 2 फरवरी दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए संस्कार पर।